आपकी पड़ी, चरण जो आपकी पड़ी। समय रहा निहार है, प्रभु रहा पुकार है, आइए पधारिए, सभी को इंतजार है। आज का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हम सभी के लिए बहुत ही खास रहेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा कि कैसे मिट्टी बनाने से लेकर बीज से लेकर ये सफर हमारा शुरू होगा और लास्ट में जो फल हमें मिलेगा, और जब फल मिलता है तो बहुत खुशी मिलती है, लेकिन कोई भी फल इतना सहज नहीं मिलता है। जब फल मिलने की बारी आती है, फूल से फल का जब सफर शुरू हो जाता है, तो प्रकृति के अंदर जो नेगेटिव या जो वातावरण में जो कीट है, जो हमारे दुश्मन के रूप में भी है, जो फूलों को पौधों को जो बीमारियां लाते हैं, खराब करते हैं, चाहे वातावरण के रूप में हो, तो बहुत सारी परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता है। तो कैसे हमें राज्यों की शक्ति का प्रयोग करते हुए हम उसका सामना करेंगे, मेडिटेशन का प्रयोग करेंगे, जैविक कौन कौन से हम ऐसे घटकों का उपयोग करेंगे, तो आज पूरे ट्रेनिंग में हम समझेंगे, सीखेंगे। तो आज के शुभारंभ अवसर पर सबसे पहले हम सभी को इस ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि सभी के अंदर बहुत उमंग है कि हमें अच्छे से अच्छा इसको करना है, तो हम सभी को आशीर्वचन देने के लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ आदरणीय राजयोगिनी सरिता दीदी जी। आप इंदौर जोन की कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग की जोनल कोऑर्डिनेटर है, और हमारे धमतरी जिले में बहुत भाई ऐसे हैं जो योगी खेती तो करते ही हैं, और उनकी प्रेरणा स्रोत हमारी दीदी जी है, और आज हमें इसमें भी नंबर वन लेना है, योगी ग्रह वाटिका में बहुत अच्छे से हमें करना है, तो हम सभी को आशीर्वचन देंगी आदरणीय दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति। परम शिक्षक, परम कृषक, प्रकृति पति, परमात्मा शिव और सर्व का कल्याण करने वाले विश्व कल्याणकारी विश्व सेवाधारी आप समस्त भाई बहन और किसान भाई भी हैं, सभी वर्ग के लोग हैं, सभी को शाश्वत योगी ग्रह वाटिका की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। मंचा सिंह हमारे ट्रेनर भाई देवराज भाई और हमारे चेतनानंद भाई, उनका भी हम बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं। साथ में हमारे डॉक्टर यादव जी भी हैं, इनके साहू जी भी हैं जो पूर्व में विद्युत विभाग में ही रहे हैं, और हमारे वामन भाई जो वर्तमान में पूरा धमतरी का जो पूरा लाइट का पूरा कारोबार संभालने वाले आप इंजीनियर हैं, आप सारा ही देखते हैं, तो आप सभी को भी मैं बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। एक ऐसा आज योगी ग्रह वाटिका का शुभारंभ हम जिले में कर रहे हैं, सामने बरसात है,
और हम कुछ कर सकते हैं इस समय। हम सबके पास बड़ी बड़ी खेती नहीं होती है ना, बहुत जमीन भी नहीं होती है, लेकिन छत तो होती है, छत तो सबके पास होती है। तो क्यों ना हम अपनी छत का प्रयोग भी अगर करते हैं, छोटे छोटे गमलों में, ट्रे में, तो हमें बहुत खुशी होगी। और ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, क्योंकि आज सबसे बड़ी समस्या खान पान की है। देखो, तीन चीजें बड़ी आवश्यक है जीवन के लिए, तीन चीजें, एक तो जल, दूसरा वायु और तीसरा है अन्न। बिना अन्न के जीवन नहीं चल सकता, बिना जल के जीवन नहीं चल सकता और बिना वायु। ये तीन तो मुख्य रूप से है, सूक्ष्म में तो अग्नि भी है, आकाश भी है, धरती भी है, धरती से अन्न होता है। पर क्या आज हमें शुद्ध हवा मिलती है? हमें शुद्ध हवा मिलती है? क्या हमें स्वच्छ जल मिल रहा है? क्या हमें स्वच्छ जल मिल रहा है? और क्या हमें शुद्ध और सात्विक अन्न मिल रहा है? ये तीनों ही दूषित है, और इतना दूषित होने के कारण हमारे जीवन में खुशी नहीं, शक्ति नहीं है, और बीमारियां जब आती है तो सब कुछ एक तरफ रह जाता है। कहते सबसे पहला सुख है निरोगी का, और आज हमारी काया ही हमारा साथ नहीं दे रही है। तो कृषि और ग्रामीण विकास प्रभाग की सुंदर योजना जो 2020 से शुरू हुई, जब कोरोना काल चालू था, तो विभाग को, प्रभाग को ये ख्याल आया कि हमारी सब्जियां भी हमको आज सही नहीं मिल रही है, अनेक केमिकल, फर्टिलाइज और पेस्टिसाइड जिसके द्वारा हम खा तो रहे हैं फल सब्जी, लेकिन हम शुद्ध सात्विक नहीं, कहीं ना कहीं जहर की मात्रा अंदर जा रही है। तो हम बहुतायत में नहीं कर सकते, लेकिन अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए कुछ तो कर सकते हैं, कुछ तो कर सकते हैं। और उसके लिए ये योगी ग्रह वाटिका की ट्रेनिंग रखी है, जिसका हमारे भाइयों ने बहुत अच्छी तैयारी की है कि कैसे हम पहले भी अपनी ट्रे तैयार करें, गमले तैयार करें, अपनी छोटी सी होम गार्डन, किचन गार्डन जिसको बोलते हैं ना, उसमें हम तैयारी करें, मिट्टी अच्छी रखें, क्या खाद डालें, और जो बीज बोए उसको पहले हम बीज संस्करण करें, बीज में शक्ति भरें, बीज में ऊर्जा भरें, तो हम उसमें से इतनी सीधी चीज मिलेगी ना, तो जैसे हमारे शरीर को ऊर्जावान बनाएगी, वो हमारे मन को शक्तिशाली बनाएगी, और सात्विक अन्न जाएगा तो हमारा सात्विक मन भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि अन्न का असर मन पर पड़ता है। तो हमारा अन्न सात्विक हो, हमें कुछ तो मिले अच्छा, उसके लिए हम छोटी छोटी चीजें घर में, जैसे धनिया है, टमाटर है, मिर्ची है, अगर बेल वाली जगह बेल लगा सकते हैं तो कद्दू है, लौंग, अरे कुंदरू तो इतना बढ़िया होता है घर में, चार कुंदरू रोज ही निकल जाए, लगा सकते हैं छोटे छोटे झाड़ में। आप देखो नींबू ना, परसों के दिन मुझे डॉक्टर साहब ने 3 नींबू ला कर दिए, किसमें थे, वो गमले में फले हुए हैं और अच्छे थे, बड़े बड़े नींबू, तो हम नींबू लगा सकते हैं, जाम लगा सकते हैं, कुछ ना कुछ हम लगा सकते हैं। तो हमें अपने घर की कोई चीज मिलती है बहुत अच्छी लगती, क्योंकि देखो ताजी मिले और सात्विक मिले तो बहुत अच्छा है। कहते हैं अगर फसल अगर सारा दिन कट के रह गए ना, अगर वो 5 घंटे रह गए तो उसका तत्व तो आधा हो जाता है, उसके विटामिन आधे हो जाते हैं। अब आप सोचो मार्केट में कब आता है, कटती कब होगी किसान के घर,
तीन चार दिन बाद आएगा, उसके बाद हम मार्केट से लाएंगे, फिर उसको फ्रिज में रखेंगे, है ना। चार दिन हमारे घर फ्रिज में रहती है, उसमें कितना तत्व है। तो कुछ भी हमें सात्विक नहीं मिलता तो हम वास्तव में जो खा रहे हैं वो जहर खा रहे हैं, बिना तत्व का खा रहे हैं। कब? इसलिए हम थोड़ा थोड़ा भी करके अगर अपने घर से शुरुआत करेंगे तो हमारे यहाँ जो बच्चे हैं ना, जो बच्चे जो सारा दिन मोबाइल में घुसे रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे, क्या उनको भी हम प्रेरणा दे सकते हैं? वो भी कहेंगे अच्छा ये ऐसा निकलता है पौधा, अच्छा इसमें फूल आ रहा है, उनको को चलो पानी डालो, उसका टाइम टेबल बनाओ, कितने देर आपको पानी देना है, आप देखना वो बच्चों पौधा अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसको एक क्रिएटिविटी चाहिए घर के अंदर, वो मोबाइल को ही देखता रहता है। पहले जमाने में ना हमारे माता पिता रोज नहा धो के तुलसी पौधे में पानी डालते थे ना, तो हमको भी संस्कार थे, उन्होंने सिखाया नहीं कि वो तुलसी में पानी डालना। हमारे घर में कोई आंगन नहीं था, कोई ऐसा तुलसी पौधा तो था, तो हम तुलसी में पानी डालना शुरू किए। फिर क्या करते थे, ये तुलसी का ना एक पत्ता खा लो ना तो पुण्य बनेगा, अच्छा रहेगा। अच्छा रोज तुलसी हमारे अंदर जा रही थी तो हमको सर्दी खांसी कहाँ से होगी? अच्छा सर्दी हो गई तो क्या करो, जा तुलसी पत्ता तोड़ और उसको डाल दे चाय में, वो पी लो। अच्छा दाग हो जाता था ना, पता है हमको दाग होते थे पहले, और क्या बताऊँ पहले के बच्चे शैतान भी बहुत होते थे, एक दूसरे पर थूक देते थे, उसका ना दाग बहुत होता था। अब दाग हो जाता था ना तो क्या करते, तो माँ कहती थी जा तुलसी पत्ता और नमक उसको मैश कर रगड़, अच्छा अच्छा दाग खत्म हो जाता। कहीं बाजार की दवाई लाने नहीं जाते, मालूम बाजार की दवाई नहीं आती थी फटाफट कि सर्दी खांसी हो गई तो दवाई लाओ, आजकल तो फटाफट दवाई लाओ बाजार से। लेकिन हमारे घर में हम छोटी छोटी चीजों से अपनी छोटी छोटी बीमारियों को ठीक कर सकते, बढ़ने नहीं देंगे। अदरक लगा दो, अदरक की चाय हो जाती है, प्रेत और मिट्टी करके बताएंगे भाई लोग। मेरा भाव यह है कि हम भी प्रकृति से जुड़े, हमारे बच्चे भी प्रकृति से जुड़े, उनको भी लगे कि हम प्रकृति की सेवा करें, तो ये मोबाइल और ये टीवी से वो बचे रहे। और जब प्रकृति से जुड़े रहेंगे तो जो प्यार होता है ना, तो प्यार परमात्मा की तरफ ले जाता है, तो भगवान से प्रेम और इतना प्रेम हो जाए कि परमात्मा की शक्ति जब मुझे मिल सकती है तो ये प्रकृति को क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि वो प्रकृति पति की तो है, प्रकृति का भी तो पति है वो, बिना प्रकृति के तो हम आ नहीं सकते हैं, शरीर हमारा प्रकृति है। तो परमात्मा की शक्ति लेकर हम वो शक्ति को डाइवर्ट करते प्रकृति की तरफ, तो हमारी हवा भी शुद्ध होगी, हमारी मिट्टी भी अच्छी होगी। आज घर का जो वेस्ट है ना वो हम क्या करते हैं, बाहर डाल देते हैं, कचरा वाली आती है हम कचरा दे देते हैं, पर कभी सोचते हैं वो कचरे की वो लोग खाद बना रहे हैं, फिर वो हमको बोरी में बेचने आते हैं, हम उसको खरीदते हैं, क्या घर में नहीं बना सकते? हमारा कन्हैया भाई है वो बैठा है यहाँ, ये तपोवन में रहता है, वो इतनी अच्छी खाद बनाता है, चाय पत्ती जैसी होती है, सारा कचरा जितना यहाँ का है ना वो आप देखेंगे अभी भी चीकू पेड़ के नीचे लगा के उसमें ढेर रहती है, और उसमें केचुआ डाल देता है, ऐसी खाद चाय पत्ती जैसी बनती है। अब वो बाहर की खाद हमारे से नहीं मंगाएगा, कभी बोलेगा गोबर में ही आता है भले लेकर आए, पर वो यहीं की खाद यहीं के पेड़ पौधों में यूज करता है, बाहर की खाद नहीं लाते, वो कचरा बाहर भी नहीं फेंकाता और खाद बनता। तो हम घर के अंदर भी थोड़े से बोरी में कचरा डाल दे, उसमें थोड़ा और डाल कोई चीज ऐसे बना देंगे घर की खाद, बीजामृत बन जाएगा। और कीट लग गए उसके लिए भी भाई लोग बताएंगे, नीम का प्रयोग, गौमूत्र का प्रयोग, ये बताएंगे अभी आपको, मैं नहीं बताऊंगी, पर हाँ जिससे हमारा योग भी बढ़ेगा, योग का प्रयोग भी बढ़ेगा, अन्न अच्छा हमारे को मिलेगा, सब्जियाँ अच्छी मिलेगी, हमको अच्छा खाना मिलेगा ना। तो कुछ कुछ चीजें हम अपने घर में लगाएं तो ज्यादा नहीं, थोड़ी मात्रा में तो हम कर सकते हैं, है ना। तो हर एक
हाथ बटाना है, करना ही है, आज संकल्प लेना, फिर हम सबके घर भी आएंगे देखने के लिए किसने क्या लगाया है। उसने एक पौधा तुलसी का तो लगा ही सकते हो, लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते तुलसी का पौधा। आज देखो सदा सुहागन का होता है, हम लोग सदा सुहागन बोलते हैं और क्या बोलते हैं, आजकल तो उसका हाइब्रिड हो गया, वो हाइब्रिड काम नहीं आता, जो ओरिजिनल वाला है गुलाबी कलर का और सफेद, आज उसके पत्ते खा लो शुगर कम होगी, पर हम खाते नहीं है, दवाई खा रहे हैं हम तो बाजार का लेंगे। अच्छा प्रकृति के साथ जुड़ते रहेंगे ना तो परमात्मा भी चलता रहेगा, वो भी एक्सरसाइज है और ध्यान रहता है बच्चों जैसा उसको पालना है, पालना भी नहीं है तो वो बच्चों जैसे हम उसकी पालना करेंगे, वो बड़े होंगे हमको अच्छी चीज देंगे ना। प्रकृति कभी रखती नहीं किसी का, वो लौटा देती है, एक बीज से कई चीज देती है। तो ऐसी सुंदर प्रक्रिया आरंभ करें अपने घर, देखो गेहूं के वो डाल दो वो जवारा हो जाता है, जवारा रस पीने लोग जाते हैं, जवारा रस पीने पैसा दे के जाते हैं, बना बनाए मिलना चाहिए, लेकिन हमारे अपने घर में वो गेहूं डाल दो आप, वो गेहूं इतने बड़े बड़े हो जाएंगे ना, उसका कटिंग करो मिक्सी में पानी डालो पी लो, क्या बढ़िया टेस्ट। चने का भी बताएगा चेतनानंद भाई, माना बहुत अच्छी चीज है। तो हम अपने घर का वो होम गार्डन, किचन गार्डन, गमले में, टेरेस पर कुछ न कुछ लगाकर समय का भी सदुपयोग करेंगे, हमारी बुद्धि भी अच्छी रहेगी, बाबा का योग करके हम योग के चक्कर लगाते जाएंगे, स्वदर्शन चक्र भी घूमते जाएगा और उसके ऊपर प्रभाव भी आ जाएगा। तो हम सचमुच अपनी प्रकृति को शुद्ध अवश्य बनाए और सभी भाई बहने ये शाश्वत ग्रहवाटियों की ग्रहवाटिका जरूर अपने अपने घर में करेंगे, मेरी ऐसी शुभकामना है, आशा ही नहीं कि विश्वास भी है, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं सबके घर थोड़ी थोड़ी मिट्टी थोड़ा थोड़ा आंगन तो मिल ही जाता है, तो जिसको बाड़ी बोलते हैं है ना, बाड़ी बकरी बोलते हैं तो रहता ही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहने कर सकते हैं, तो सबको ट्रेनिंग मिलेगी और आप सब अवश्य करना, प्रकृति का सहयोग जरूर मिलेगा। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अतिथि जी। तो आज निश्चित रूप से सभी ये संकल्प लेकर जाएंगे, जो ट्रेनिंग नहीं भी कर रहे हैं तो कम से कम एक तुलसी का पौधा अवश्य लगाएंगे, और जो ट्रेनिंग करने वाले हैं वो तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे से ही इस प्रयोग को करेंगे ट्रेनिंग लेकर। और अब हम सबकी तरफ से आज इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से हम आगे बढ़ा सकें तो अपनी शुभ आशाएं, शुभ प्रेरणाएं संक्षिप्त रूप में देने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ भ्राता वामन भाई को। आप बिजली विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर हैं, अर्जुनी सब डिवीजन के बिजली विभाग के इंचार्ज हैं और आप इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्टूडेंट भी हैं, तो आज हम सभी को इस कार्य को करने के लिए अपनी शुभ प्रेरणाएं देंगे। ओम शांति। आज के इस शाश्वत यौगिक गृह वाटिका प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, और सबसे पहले मैं आदरणीय बहजी लोगों को इसके लिए आभार और धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहन जी लोग बीच बीच में इसी प्रकार का सामाजिक उन्मूलन कार्यक्रम और मानवीय सीखने का कार्यक्रम में आयोजन किया जाता है, तो बहन जी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जबकि बहन जी ने अभी बताया हमारी सबसे बड़ी पूंजी है निरोगी काया, तो जब तक हमारा शरीर अच्छा नहीं रहेगा, स्वस्थ नहीं रहेगा, और हमारे पास दूसरा चीज़ जो कितना भी रहे हैं ना धन संपदा है, शरीर अच्छा नहीं है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। आज के समय में जैसे हम लोग फ्रूट है, सब्जी, ड्राई फ्रूट है जो अच्छा समझ कर खाते हैं, अच्छा से अच्छा चीज, लेकिन उसको अधिक से अधिक से प्रोडक्शन करने के इसमें सब वो केमिकल का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, तो उसके कारण वो सही न रह करके
जैसे दीदी जी ने बताया जहरीला है, मतलब हम लोग जहर का सेवन कर रहे हैं, तो वाकई में सही बात है। और जहर का सेवन करेंगे तो स्वाभाविक है हमारा सेहत कहाँ कैसे अच्छा रहेगा। तो हम लोग कोशिश कर सकते हैं भले छोटे स्तर पर, क्योंकि अभी के समय में तो सब मतलब एकदम किसी के पास ज़्यादा जगह है ऐसा नहीं रहता, तो छोटे से छोटे स्तर पर अपने घर के छत पे जैसा भी संभव हो इस चीज़ का हम उपयोग कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं इसको। इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद वामन कुमार साहू जी। अब आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को शुरू करने के पहले प्रस्तावना के रूप में, इंट्रोडक्शन के रूप में कि दिन भर इस ट्रेनिंग में क्या क्या होगा, तो सबसे पहले हमारे बीच आएंगे राजयोगी ब्रह्मा कुमार देवराज भाई। आप 2015 से योगिक कृषि कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रयोग आपने किए हैं और कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के आप सदस्य भी हैं और आप अनेकों स्थानों पर जाकर जैसे उड़ीसा ब्रह्मपुरी में जाकर आपने ट्रेनिंग दी भी है। आपको प्रभाग के द्वारा बुलाया भी जाता है कि यहाँ ट्रेनिंग है, आप भी आओ ट्रेनिंग दो, तो बहुत अच्छा अनुभव है देवराज जी का। तो अभी हमें कुछ चंद शब्दों में इंट्रोडक्शन देंगे। ओम शांति। विश्व कल्याणकारी प्रकृतिपति परमात्मा श्री और आप सभी अति स्नेह परमात्मा के बच्चे, हम सबके प्रेरणा स्रोत इस कार्यक्रम के आयोजक परम श्रद्धेय सरिता दीदी, सम्माननीय मंच, आज का दिन हमारे लिए औसत का दिन है। आज बाबा ने वरदान भी कहा, आप सबको याद होगा बाबा ने कहा कि श्रेष्ठ कर्म की शुरुआत अभी से करो, अभी करो, कभी नहीं करो, है ना, कल कर लेंगे ऐसा नहीं। तो भगवान ने जो हमें आज संकल्प दिया है, आज का टॉपिक आप देख रहे हैं नीचे जो पीछे जो लगा हुआ है ना, उसमें प्रकृति और आत्मा को स्वस्थ और श्रेष्ठ बनाने का आधार क्या, शाश्वत योगिक ग्रीन वाटिका। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं शाश्वत योगिक ग्रीन वाटिका की, और ये एक ऐसी शुरुआत है जो हमारे जीवन को दिव्य और श्रेष्ठ बना देगा, क्योंकि आज समय की मांग है। आपको पता है ना जो इतनी सारी बीमारियां आ रही हैं, इस कारण से अभी लोग खा खा के बीमार हो रहे हैं। दुख की बात ये है आज जो कम खा रहे हैं ना वो सुखी है बहुत, और जो ज्यादा खा रहे हैं वो दुखी है। क्यों? क्योंकि हमें शुद्ध अन्न की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो शुद्ध अन्न कैसे हम प्राप्त करें अपने जीवन में, सात्विक अन्न की प्राप्ति हम कैसे करें, उसका जो आधार है आज की ट्रेनिंग सेशन में आपको बताया जाएगा। दुनिया में लोग बहुत कुछ खा रहे हैं और बाहर से बहुत सुंदर दिख रहे हैं, लेकिन आपको मैं एक सत्य बात बता देता हूँ कि लोगों के जीवन में सुख नहीं है, समृद्धि नहीं है और सुगंध नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे हम बाजार में जब धनिया खरीदने जाते हैं ना, धनिया दिखता बहुत अच्छा है लेकिन उसमें सुगंध नहीं है, वैसे ही लोगों के जीवन से सुगंध चला गया है। तो आज आपको योगी ग्रीन वाटिका में जो चीजें बताई जाएंगी कि कैसे हम सहज और सरल रूप से अपने घर में जो हम किचन गार्डन करते हैं, अच्छे अच्छे सजावटी पौधे जो लगाते हैं गमले में, उसमें हम सुंदर ढंग से कैसे हम धनिया, सुगंधित धनिया, मेथी आदि लगा सकते हैं और बेहतर एकदम स्वस्थ हम जो है हम वो सब्जियां और फल फूल प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस ट्रेनिंग सेशन में आपको डिटेल बताया जाएगा और मैं सभी भाई बहनों से यही निवेदन करूंगा कि इस सेशन को आज आप समय दीजिए और आज एक संकल्प कीजिए कि मुझे अपने घर में शाश्वत योगी ग्रीन वाटिका लगाना ही है, क्योंकि हर एक के घर में गमला तो है, छत तो है। तो आज हमारे भाई साहब बताएंगे कि कैसे हम अपने घर में ही गार्डन तैयार कर सकते हैं, उस विषय पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन
बाबा ने जो हमें पहले से ही संकल्प दिया है कि बच्चे तुम्हें प्रकृति जीत आत्मा बनना है, दूसरा बाबा ने संकल्प दिया है योगी सो प्रयोगी बनना है। तो ये जब हम ये जो बाबा ने निकाला है शाश्वत योगी खेती और शाश्वत योगी गृहवाटी करना, तो इससे हमारा योग भी हो जाता है। सबसे अच्छा फायदा हमको ये है कि जब हम ये संकल्प करते हैं कि मुझे गृहवाटी का करना है, योगी खेती करना है, तो भगवान से हमारा कनेक्शन जुड़ जाता है और हम योगी भी बन जाते हैं और प्रयोगी भी बन जाते हैं, क्योंकि प्रयोग तो हम करते ही हैं। और मेरा तो इतना अनुभव है, मैं आपको जब क्लास सेशन होगा तो उसमें बताऊंगा कि कैसे प्रकृति का हमको स्नेह मिलता है, परमात्मा का सहयोग मिलता है, प्रकृति का सहयोग मिलता है। जब आप संकल्प करो, जब आपको पानी की आवश्यकता हो तो पानी ऊपर वाला देता ही है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बन जाएंगे। तो भगवान ने हम सबको यही प्रेरणा दी है, भगवान के कार्य को हमें आगे बढ़ाना है। दीदी जी की भी शुभ प्रेरणा यही है कि जो शाश्वत योगी गृहवाटिका है धमतरी से शुरुआत हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए खुशी की बात है। तो इसको हमको पूरा करने दिखाना है और आपको आज ये संकल्प करना है कि मुझे प्रैक्टिकल करके दिखाना है, क्योंकि योगी सो प्रयोगी। तो आप ये संकल्प करो कि मैं आज से शुरुआत करूँगी योगी गृहवाटिका का ओशन। बहुत सुंदर, आप आज के प्रोग्राम के क्या क्या सेशन रहेंगे, किस प्रकार से सत्र इसके चलेंगे, चेतनानंद भाई पावर पॉइंट के द्वारा थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे। ओम शांति, ओम शांति। सबसे पहले तो मैं परमपिता परमात्मा शिव बाबा का धन्यवाद करता हूँ, और साथ ही हमारे परम श्रद्धेय राजयोगिनी सरिता दीदी का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे यह भाग्यशाली अवसर मिला है कि कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग से जुड़ने का मौका मिला और गृह वाटिका और शाश्वत यौगिक कृषि के बारे में सीखने और सबको सिखाने का मौका मिल रहा है। तो उसके लिए मैं परमपिता परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम सेशन में जैसे हम तो बहुत सारे बातें करेंगे एक आगे, तो सीधा मैं सेशन की तरफ ले जाता हूँ। तो बहुत सारे हमारे सवेरे से लेकर दोपहर 2 बजे तक का हमारा सेशन में डिवाइड हुआ है 4 सत्रों में, जिसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार के योगी गृहवाटिका का मॉडल्स हैं, क्या क्या साधन है ना। उसके अलावा हम राजयोग के माध्यम से हम बीज भूमि और खाद को किस प्रकार सिंचाई कैसे देना है और शकास कैसे देना है फसलों को, ये पूरा हम विधिवत तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। उसके साथ साथ नेक्स्ट सेशन में जो हमारा रहेगा कि खाद कैसे तैयार करना है, सबसे प्रमुख हम जब कृषि स्टार्ट करते हैं शुरुआत करते हैं तो खाद और पेस्ट नियंत्रण कीट नियंत्रण बहुत जरूरी होता है, वो हम सब चीज़ें सीखेंगे। उसके अलावा हम जानेंगे कि क्या क्या लाभ होते हैं, किस प्रकार की फसल तैयार कर सकते हैं घर में गमलों में, तो वो हम पूरा एक एक चीज़ें एकदम सरल तरीके से हम समझेंगे। तो इस प्रकार से रहेगा। और साथ ही जैसे हम दीदियों ने बताया, देवराज भाई ने बताया कि शाश्वत यौगिक गृह वाटिका, यह जो जैसे आप देख पा रहे होंगे जब सन 2007 और 2008 में ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के द्वारा जब कृषि ग्राम विकास विंग कब जब स्टार्ट हुआ था, तब से छोटे छोटे किसानों को लेकर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट और मुहिम चलाया गया था, है ना, कुछ स्क्रीन में भी दिख रहे हैं। तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार की गार्डनिंग कृषि करना, तो बहुत सारे तरीके से योग के माध्यम से, क्योंकि हमारा जो मेन उद्देश्य क्या है, योग के द्वारा हम कृषि कैसे कर सकते हैं, है ना। हम तो खाद किसान भी डालते हैं, बीज किसान भी डालते हैं, भूमि किसान भी तैयार करते हैं,
लेकिन हम ऐसे किसान तैयार कर रहे हैं जो योग भी कभी प्रभाव उसमें रहे। तो इस प्रकार से हम आने वाले सत्रों में हम पूरी चर्चा करेंगे। तो आगे अभी नाश्ता के जाने के बाद फिर जल्द ही यहाँ पर उपस्थित होकर योग के एक दो पाँच मिनट योग करेंगे, फिर हमारा सेशन को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। ओम शांति।